हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता अमृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रही हूँ, जो कि एक प्रैक्टिकल सेशन रहेगा। आप सबको पता है कि अभी भी लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन स्टिल हम सब लोग घर पे हैं। जितना भी वर्क चल रहा है वो सारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इसीलिए आप लोगों की क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए, साथ के साथ थोड़ा सा इको फ्रेंडलीपन अपने अंदर लेके आने के लिए मैं आपको कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग सिखाने जा रही हूँ। तो आप सब ने सुना होगा टाई डाई टेक्निक्स, या फिर टाई डाई, बांधनी, बंधेज, लहरिया। यस, आप सब ने जयपुर, राजस्थान और वहाँ के इस तरह के गारमेंट्स, वहाँ की ओढ़नी, वहाँ की चुनरी, ये सब देखा होगा, और इससे आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी हुए होंगे। उनके इतने वर्सेटाइल ब्राइट कलर्स आप लोगों को बहुत अपीलिंग लगे होंगे। वही चीज़ किस तरह से आप लोगों के घर पे आए, वो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ। जो भी बच्चे या फिर जो भी मदर्स या जो भी पर्सन घर पे है और कुछ नहीं, उनको लगता है कि कुछ क्रिएटिविट करना चाहिए, बोर हो गए हैं, कुछ नया सीखना चाहिए, उन सभी के लिए सेशन रहेगा और आने वाली कुछ एक वीडियोस रहेंगी। तो आज के जो क्लास रहेगी, आज का जो सेशन रहेगा, वो बेसिकली रहेगा टाई डाई टेक्निक्स के ऊपर। कौन से रॉ मटेरियल्स हमारे वहाँ पर यूज़ होते हैं और साथ के साथ उन मटेरियल्स, जो हमारे मटेरियल्स यूज़ होते हैं, किन मटेरियल्स को इस्तेमाल करके मैं टाई डाई टेक्निक करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ, एंड वॉट आर इट्स टाइप्स। सो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही थॉरली, प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको ये सिखाने और समझाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने ये वीडियो, ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि न्यू वीडियोस की डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और साथ के साथ इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छी लगे, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। ये हमारी टाई डाई की टेक्निक्स के लिए होगी, जिसके अंदर मैं 5 to 6 टेक्निक्स आपको बताऊंगी, और अल्टीमेटली उन पर्टिकुलर टेक्निक्स का क्या इफ़ेक्ट आएगा वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम एक अच्छा टॉपिक, और भी ज़्यादा एनहांस टॉपिक लेके आ रहे हैं, दैट इज़ ईको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स, जिसकी मैं बात कर रही हूँ नेचुरल डाइज की। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम नेचुरल वेस्ट इंग्रेडिएंट्स को लेके अपने कॉटन के फैब्रिक को, अपने सिल्क के फैब्रिक को एंड अपने वूल के फैब्रिक को डाई कर सकते हैं, फाइबर को डाई कर सकते हैं, और अपने लिए कुछ एक क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं। घर में आप लोग रह रहे हैं और घर के अंदर हमारे कोई कुशन हो गया, कोई सोफ़ा कवर हो गया, कोई स्टॉल हो गई, कोई फ़ोन का बैक कवर हो गया, फाइल कवर हो गया, या कुछ भी डेकोरेटिव आइटम, नहीं तो जस्ट आप लोगों के पास अगर एक वाइट हैंकी हो, जस्ट 10 rupees ऑफ कॉस्ट वो लगेगा, और कंप्लीट डाइंग प्रोसेस आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, एक्सेप्शन द योर फैब्रिक। सो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिए, सारी टेक्निक्स देखिए, एंड प्लीज़ लास्ट के अंदर मुझे कमेंट करके ज़रूर रिस्पॉन्स दीजिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी टाई एंड डाई के लिए टाइंग की टेक्निक। सो गाइज, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो इंग्रेडिएंट्स है, ये हमारे टाई डाई में टाइंग पर्पज़ के लिए है, और टाइंग पर्पज़ में सबसे पहली जो चीज़ हमारी यूज़ की जाती है, दैट इज़ दिस पर्टिकुलर थ्रेड, जिसकी मदद से हम टाइंग प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको किसी भी स्विंग और टेलरिंग की शॉप से ये थ्रेड अवेलेबल हो जाएगा, सितारा थ्रेड, ये स्पन पॉलिस्टर यान नंबर 10, ठीक है। तो अगर किसी को भी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई रस्सी, मैक्रमे, नॉट पर्टिकुलरली जो कंप्लीट कॉटन हो, उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, एंड आपको पोलिस्टर का कोई भी जो नॉर्मल आपकी रील आती है, नॉर्मल धागा आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये मेन हमारा है, ये आपके पास होना ही चाहिए टाइंग पर्पज़ के लिए। इससे अलग हम यहाँ पर अभी के लिए क्या ले रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारा नहीं यूज़ करना है, तो इसका ये नहीं रहेगा कि हमने बहुत इस्तेमाल करके बहुत सारा ख़राब कर दिया। यू कैन हैव राजमा, आप राजमा से भी इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, आप काले चने और सफ़ेद छोलों के साथ भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं, देन उड़द की दाल, और साथ के साथ ये जो हमारे सिक्के होते हैं, ये बहुत ही अच्छे, आप अलग अलग साइज़ के सिक्के आपको मिल जाएंगे, कॉइन्स मिल जाएंगे, और उनकी मदद से आप टाई कर सकते हैं। इससे एक्सेप्शन आप कोई भी प्लास्टिक का इस तरह से आप पेन ले लीजिए, जिसके अंदर इंक ना हो, वो ट्राई कीजिए, जो खाली आप उसका कवर लेना लीजिए, या फिर आप पेंसिल यूज़ कर लो, या आपने देखा होगा जो आपका पेंट ब्रश होता है, उसके जो पीछे की, कई बार होता है पेंट ब्रश आगे से निकल जाता है जो ब्रश, तो आप पीछे की डंडी इस्तेमाल कर सकते हैं,
यहाँ पर अभी मेरे पास छोटे पैबल्स अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि जो छोटे हमारे पैबल्स होते हैं, मार्बल्स होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। सो ये हमारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं। इससे एक्सेप्शन हमारा जो रहेगा वो हमारा फोल्डिंग टेक्निक्स रहेगी, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर्स हैं, और जो जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डाइंग हम कैसे करते हैं, जैसे आप शॉप्स पे देखते होंगे जो डाई वाले भैया होते हैं वो हमारे कपड़े को डाई करते हैं, इस तरह से आप घर पे भी कर सकते हैं। ये शीशियाँ, ये डिब्बियाँ मिलती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं फौजी नाम से ये मिलती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ये अवेलेबल होती हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे ये उन्होंने बता रखे कि हाँ, ये देखिए नीला, गुलाबी, इस तरीके से यहाँ पर ऊपर शीशे पे लिखे होते हैं। इसका जो MRP है वो 15 रुपीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जो ये अवेलेबल होती है 10 रुपीज़ की आपको मिल जाती है, और इसमें काफ़ी सही अमाउंट में कलर होता है जो आपका डाई कर देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पक्का कलर होता है तो आपके हाथ पे, आपके कपड़ों पे ये चढ़ जाता है ईज़िली, तो इसको थोड़ा सा प्रिकॉशनली यूज़ कीजिएगा। तो अब जो बाकी की टाइंग और डाइंग मैं बता रही हूँ वो इसी से बता रही हूँ, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नमक और डिटर्जेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमें एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट लेने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर जो मेरा स्क्रैप फैब्रिक था विदाउट मॉडेंटेड ही, मैं वो लेके आपको डिफरेंट टाइंग्स के मेथड्स यहाँ पर बताने जा रही हूँ। सो मैंने अपने फैब्रिक को जिस जिस प्रोसेस में थे उनको ले लिए। सो हियर फर्स्ट फैब्रिक, ठीक है। अब एक होता है, मैंने आपको डिफरेंट जो मटेरियल है उससे टाई करना तो बता दिया, देन मैंने आपको फोल्डिंग टेक्निक्स बोली थी कि कुछ एक हमारी फोल्डिंग टेक्निक्स होती है, लेट्स सी कौन सी होती है। तो फर्स्ट हमारी जो फोल्डिंग टेक्निक है वो हमारी है कि हम इसको फ़ैन फोल्ड करेंगे। तो फ़ैन फोल्ड आपने सबने बनाया होगा, पंखा बनाया होगा बचपन में, तो यहाँ पर भी हम इसका फ़ैन फोल्ड कर लेंगे। किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम एक बार फोल्ड करेंगे, देन इसको इस तरह से करेंगे, फिर इसको इस तरह से, तो मतलब आपने इसको प्रॉपरली फ़ैन फोल्ड कर लेना है ऐसे। सब बच्चों को फ़ैन फोल्डिंग आती है, तो इस तरह से देखिए आप लोगों ने इसको क्या कर लेना है, फ़ैन फोल्ड कर लेना है। फ़ैन फोल्ड करने के बाद आप अलग अलग चीज़ें इसमें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो आपके कपड़े सुखाने वाली जो चिमटी होती हैं आप उनको अप्लाई कर सकते हैं इफ़ेक्ट देने के लिए। ये देखिए, ताकि ये थोड़ा पक्का हो जाए इसलिए मैंने इसको इस तरह से यूज़ किया है। क्लियर, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जहाँ पर ये दबाव आ रहा है वहाँ पर थोड़ा कलर रेजिस्ट करेगा, और अंदर की लेयरिंग्स जैसे हैं उसमें रेजिस्ट करेगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, साथ के साथ आप किसी भी हम इसको पैनल को यहाँ से कर लेते हैं। देखिए, सपोज़ मैं आपको एक ही में दो चीज़ें करके दिखा देती हूँ इस तरह से, क्लियर। या फिर हम इसको एक और चीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कि आप सारे में यही लगा लीजिए, या फिर द सिंपलेस्ट वन, आपने एक तरफ से फ़ैन फोल्ड किया, नाउ इसको आप दूसरी तरफ से भी फ़ैन फोल्ड कर लीजिए। दिस, ये आपका फ़ैन फोल्डिंग, इसको हम प्रोपोर्शन में ले लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से, एंड दिस, ये देखिए। और अब हम इसके ऊपर अपनी जो ये हैं इनको अप्लाई कर देते हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा उतना ज़्यादा आपका इफ़ेक्ट अच्छा आएगा, यहाँ पर इस चीज़ का खास ध्यान रख सकते हैं आप। किसी भी तरह आप प्रोपोर्शन इसका ले सकते हैं बाय एनी हाउ, और बहुत अच्छे से आप कोई भी इफ़ेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो एक ये हमारा फ़ैन फोल्डिंग हो गया। एक और हम यहाँ पर सैंपल ले लेते हैं। अब इस सैंपल के अंदर हम जो आपने एक बहुत ही बेसिक सा देखा होगा राउंड 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 जो हमारा एक क्रिएट होता है, हम वो वाला बनाएंगे। तो सबसे पहले मिड पॉइंट देख लेंगे,
मिड पॉइंट देख लेंगे कौन सा होगा। मिड पॉइंट लेने के बाद अपना थ्रेड ले लेना है, क्योंकि आपने फोल्ड एंड टाई करना है इसको। एक पिंच यहाँ पर आपने इसको पिंच उठाना है। इस पिंच को उठाने के बाद इस तरह से करना है और इसको टाई कर लेना है थोड़ा सा डिस्टेंस, जैसे अभी हमने किया था, जो अभी हम आगे जाके भी करेंगे। इस तरह से आपने इसको बहुत अच्छे से, बहुत पक्के से राउंड राउंड करना है। जितना यहाँ पर आप ज़्यादा रखेंगे उतना आपका वाइट पोर्शन ज़्यादा रिवील होगा और इफ़ेक्ट अच्छा सा क्रिएट हो जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पर थ्रेड बचा के रखा था, मैं उसी से ही इसको क्या कर लूँगी, टाई कर लूँगी। इस तरह से आप टाई कर लेंगे इसको, एंड देन यू कैन कट। अब एक बार कर लिया, दोबारा से आफ्टर सम डिस्टेंस इसको थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के आपने दोबारा से इसको क्या करना है, टाई कर लेना। सपोज़ कीजिए 1 इंच का डिस्टेंस आपने यहाँ पर छोड़ा एंड इसको आपने दोबारा से टाई करा। मैं बार बार एक ही चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि देखिए, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा आप जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनको आप बना सकते हैं खुद। मतलब हम नाड़े के साथ भी इनको बनाते हैं, इलास्टिक के साथ, नाड़े के साथ, रोप के साथ, डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल्स को यूज़ करके। सो बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस यहाँ पर बन पाते हैं। अब ये हमने दो यहाँ पर देखिए कर लिए हैं दो। अब मैं एक और करती हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने दोबारा से 1 इंच का डिस्टेंस लिया और उसके बाद इसको फिर से इसको देखिए। इससे आप अपने घर में दुपट्टा, जो आपका जॉर्जेट और शिफॉन का दुपट्टा, आपके नेट के दुपट्टे होते हैं, आप डायरेक्ट इस डाई से इनको डाई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को इनको डाई करते हुए। इस तरह से हम इसको कर लेंगे देखिए। और साथ के साथ आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो फर्स्ट में आपने कम टाई किया, यहाँ थोड़ा ज़्यादा करो, अगले में थोड़ा और ज़्यादा करो। मीन्स इट्स अपॉन टू यू, आप कैसा टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब लास्ट में हमें पता है कि इसके 4 कोने हैं, तो हम उस पर भी कोई काम कर सकते हैं, या फिर हम लास्ट में, क्योंकि मेरा जो ये था, ये आपको पता है रेक्टेंगल पीस था, तो मैं बिल्कुल नीचे का सिर्फ थोड़ा सा 1 इंच का फोल्ड कर दूंगी कि जहाँ जहाँ मेरा एक इफ़ेक्ट आएगा वहाँ वहाँ वो आ जाएगा। इधर तो प्रॉपर सर्कल्स आएंगे। आप नॉट भी लगा सकते हैं, अभी हम नॉट वाला भी आपको बताते हैं। इस तरह से देखिए, ये हमारा एक और सैंपल रेडी है। नाउ टेक अनदर। अब हम इसके साथ भी कुछ इसी तरीके से करते हैं। सो जैसा मैं आपको बोल रही थी कि हम इसमें नॉट लगा सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपने सेंटर प्लेस लिया, सपोज सेंटर प्लेस पे आपने एक क्वाइन यहाँ पर लगा लिया, सेंटर पे हमने एक क्वाइन प्लेस कर लिया। एक चीज़ का ध्यान आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रखना है, जब आप बड़े, ये तो हम छोटे सैंपल बना रहे हैं तो इस पर आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम दुपट्टे पे करते हैं तो आपको 4 फोल्ड करके या फिर जैसा आपको पैटर्न चाहिए आपको उसको पूरा पहले लेआउट करना है। जैसे कि घर हम बनाते हैं और घर बनाते हुए हम पहले क्या करते हैं, लेआउट करते हैं, है ना, उसके बाद हम उसकी फाउंडेशन बनाते हैं। तो आपको लेआउट पहले करना है। अगर आप लेआउट अच्छे से कर लेंगे तो आपका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा, वरना एक थोड़ा सा खिचड़ी या फिर असिमेट्रिक बनेगा। तो यहाँ देखिए मैंने सेंटर में इसका क्या कर लिया है, टाई कर लिया है क्वाइन, और साइड्स में अब मैं क्या करूँगी, लेट्स ट्राई अगर नॉट इस पर लग जाती है छोटी छोटी सी, तो
क्योंकि मैंने सैम्पल्स जो लिए हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि स्क्रैप में से मैंने यही ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को भी जो करके दिखाऊं वो स्क्रैप से चीज़ करके दिखाऊं, और हम इसके बाद इन सबको एक साथ, ये देखिए गांठ लगा दी है, एक साथ यूज़ करके, एक साथ अप्लाई करके कुछ आप रनर बना सकते हैं। जैसे खाना खाना होता है तो नैपकिन आप बना सकते हैं उसको नीचे बेड पर रखने के लिए, अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए, अपने डाइनिंग टेबल के लिए, स्टडी टेबल के लिए, या फिर आप अपने रूम के लिए पिलो बना सकते हैं इससे। और सपोज़ कीजिए किसी की एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है, तो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए हमें एक बेस फैब्रिक की नीड होती है, तो आप एक इफ़ेक्ट डाल के एक अच्छा इफ़ेक्ट दे सकते हैं। सो इसमें नॉट लगाने में फैब्रिक बहुत छोटा है, ठीक है, तो इस तरह से नॉट लग जाएगी। बस आपको क्या करना है, क्रिएट करना है, जितना अच्छा आप क्रिएट कर सकते हो उतना आप यहाँ पर क्रिएट करिए। अल्टीमेटली और सुखाने के बाद ही इसको आप ओपन करिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि डाई किस तरीके से करना है और ओपन भी किस तरह से करना है ये सब प्रोसेस। तो ये देखिए, सो देखिए ये हमने सेंटर में इसको कर लिया और चारों तरफ नॉट लगा दी। देन नेक्स्ट वी विल टेक, हमने इसमें पेंसिल वाला टेक्निक करते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपनी पेंसिल ली है, सब लोगों ने टॉफ़ी देखी है, सेंटर से होती है और साइड्स में उसके निकले होते हैं दो रैपर्स। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए अपनी पेंसिल, जैसे सपोज़ कीजिए हाँ मेरी पेंसिल का साइज़ छोटा है, बड़ा भी हो सकता है, आप ब्रश भी ले सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। तो अब हमने इसको, इसके अंदर मैंने इसको रैप कर लिया, तो मैं कंप्लीट पेंसिल को इस तरह से, ये देखिए, रैप कर लूँगी सारे को, और पेंसिल मैंने सेंटर में रखी है, ये देखिए इस तरह से पेंसिल मैंने सेंटर में रखी है कि यहाँ आप देख सकते हैं इतना इधर और इतना इधर वेकेंट स्पेस है। तो सबसे पहले मैं इस स्पेस को ही टाई कर लूँगी ताकि मेरा इफ़ेक्ट आ जाए, जो वो स्पेस है जितना, ये देखिए इसको मैंने प्रॉपरली टाई करना स्टार्ट कर दिया। अगेन ऑन अदर साइड भी हमने इसको टाई कर लिया, खींच के बहुत अच्छे से इसको आप टाई कीजिए। और इसी को ही टाई जो आपने यहाँ किया है इसको मैं बंद ना करके आपके सारी पेंसिल के ऊपर भी अलग अलग तरह से, कोई इवन नहीं बट अन ईवन, बहुत टाइटली इसको टाई कर दूँगी। On my complete pencil, आप दो कलर्स को भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एक कलर को करने के बाद आपको पहले उसको पूरा सूखने देना है, देन अगेन आपने टाई करना है, और उसके बाद आपको उसको दूसरे कलर में डिप करना है। तो मैंने इसको देखिए टाई कर दिया, एंड देन मैंने इसको जहाँ पर भी धागा मेरा था वहाँ पर इसको नॉट लगा दूँगी। इसके बाद एक मैं आपको बहुत सबसे आसान और इंटरेस्टिंग बनाती हूँ, जो हमारा क्या होता है कि हमने उसको कहीं से भी क्रश करना है। तो मैंने ये लिया, इसको क्रश किया इस तरीके से, एक बॉल बनाई, रैंडम रैंडम बॉल को मैंने टाई कर दिया,
पहले हल्का हल्का किया ताकि वो अलाइन हो जाए एंड देन प्रॉपरली आप इसको टाई कर दीजिए। जितना भी एरिया आपका रिवील होगा उस पर कलर आएगा और इसमें आप डबल इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इफ़ेक्ट्स आते हैं। आई विल शो यू अ सैम्पल। इस टेक्निक से मैंने एक सिल्क का स्कार्फ किया है तो आपको मैं वो आपको लास्ट में दिखाऊंगी। इस तरह से हम इसको टाई करेंगे। और फिर हम इसको बांध लेंगे। क्लियर? तो ये वाला इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये आपने फैब्रिक लिया, आपके पास नाड़ा होता है ना, नाड़ा होता है, अच्छा टूथब्रश होता है, स्केल होता है, हम स्केल के साथ भी इसको करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप जो ब्रश होता है, पेंट ब्रश होता है, उसका अगर ऊपर का ब्रश निकल जाए तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको लेकिन हम अलग तरीके से यूज़ करेंगे, कैसे, लेट्स सी। हम इसको सेंटर में रख सकते हैं, क्लियर है, सारे फैब्रिक को एक तरफ रख के एंड देन हम इसको इकट्ठा रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। इसको उसके बाद टाई कर देंगे। इट्स टोटली अपॉन अस द तरीका ऑफ टाई। तो इस तरह से मैं इसको सारे को टाई कर देती हूँ। आप सेम प्रोसेस से अलग अलग टाई तरीकों से बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं। लिमिटेड कराऊंगी मैं यहाँ पर आपको, बिकॉज़ हमारा टाइंग के साथ साथ डाइंग का भी है। इसको लेके इसको हम फोल्ड कर सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग, वॉट एवर वी वॉन्ट एंड देन वी कैन टाई इट। You are free to play with your mind, with your creativity, and of course with colors. और इसी तरीके से आप पेबल्स को यूज़ करके भी डाइंग कर सकते हैं, जो छोटे पेबल्स होते हैं। तो ये हमारे कुछ एक बेसिक प्रोसेसेस मैंने आपको बताए हैं, आप न्यू ट्राई कीजिए एंड उसके बाद फिर आप अपने इंस्टीट्यूट को दीजिए और हमारे तक भी भेजिए, फ़ोटोग्राफ्स भेजिए। सो लेट्स सी अब इसका डाई करने पर इफ़ेक्ट क्या आता है। और डाई मैं करूँगी वो इन कलर से करूँगी। सो गाइज, हियर यू कैन सी द आफ्टर इफेक्ट्स। मैंने इनको डाई किया है ब्लू एंड रेड कलर में। फर्स्ट जो आपको दिख रहा है वो हमारा ब्रश के साथ वाला है, जो ब्रश का पीछे का हिस्सा है, एंड राउंड राउंड हमने सर्कल्स बनाए हैं। देन उसके बाद आपका ये है जिसमें हमने वो जो कपड़े टांगने वाली चिमटियाँ लगाई थी और साइडों में नॉट और बीच में हमने एक क्वाइन यूज़ किया है, वो वाला आपका यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है। लास्ट के जो दो हैं, एक हमारा पेंसिल वाला है जो राइट साइड में है एंड दूसरा हमारा क्रश इफेक्ट है, जो बहुत ही सुंदर इफेक्ट्स आते हैं। सो यहाँ पर आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि ये आपके कैसे आउटपुट देंगे। होपफुली एवरीवन, आप लोगों को ये जो सेशन था बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लगा होगा एंड आई एम डेडली श्योर कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव भी कुछ सीखने को मिलेगा। सो आज का पहला सेशन था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया कि टाइंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको यही चीज़ बताऊँगी कि डाइंग कैसे करते हैं। सो इन्हीं सैम्पल्स के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब और लाइक करना, साथ के साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। हम वापस आएंगे अपनी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बी सेफ, be home and keep learning. Bye-bye.